ये लग कैसे रहा है? तो इधर कर दो क्या? गर्मी है बहुत। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद मैं कोई यू नो फुल लेंथ वीडियो बना रही हूँ, सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो आज ना हम एक हैक ट्राई करने वाली है जो कि अभी काफी पॉपुलर हो रहा है हर जगह। तो सॉरी, मैं उसका क्लिप नहीं डाल सकती दूसरे क्रिएटर्स की, क्योंकि उससे कॉपीराइट आ जाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि आप आई शैडो की मदद से और माइसेलर वाटर की मदद से किस तरीके से आप यू नो कलरफुल लाइनर बना सकते हो, आई लाइनर बना सकते हो। तो उसी हैक को हम ट्राई करेंगे और इसको थोड़ा मजेदार और थोड़े यू नो ब्लॉपर टाइप्स बनाने के लिए, बिल्कुल ड्रॉ बनाने के लिए। मैंने इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि किस तरीके से जाता है, ताकि आपको भी देखकर मजा आए। तो मैं और आप हम इकट्ठे पहली बार इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आउटकम कैसा आता है। और बाय द वे, मेरी आंखों की एलर्जी अभी तक क्योर नहीं हुई है और इसीलिए मैं इतनी ज्यादा वीडियो में मेरा मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये भी नहीं ठीक हो पा रहा है और क्या कर सकते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, स्टाइलिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इसके लिए ना मैंने इस तरीके से एक बड़ा सा कलरफुल पैलेट लिया है, ताकि मैं काफी सारे रंगों को इसमें से ट्राई कर सकती हूं। तो इसमें से हम ट्राई करेंगे और मुझे जो भी रंग पसंद होगा उसको मैं पोतना शुरू करूंगी। और चलिए इसको ट्राई करते हैं और इसके साथ देखो कि क्या हो गया। मैंने सोचा था कि इस ब्रश के यू नो मदद से मैं इसको करने वाली हूँ, और ये ना थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि क्या हो गया। अब पता नहीं कि इसमें होगा या नहीं होगा, शायद इसका ढक्कन कुछ दूसरी तरफ से लग गया था और ये थोड़ा सा यू नो खराब टाइप का ही हो गया। बाय द वे, पहले ही दिन से ऐसे ना ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेरा आया था, तो मैंने इसको बिल्कुल भी मैं इस्तेमाल कर ही नहीं पाई। तो चलिए देखते हैं, अगर इससे नहीं होता मैं तो फिर मैं जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, दूसरे कोई ब्रश से इसको ट्राई करने वाली। तो गाइज, ये है मेरा गार्नियर का माइसेलर वाटर, इसके मदद से हम करने वाले हैं आई गेस, मतलब मुझे नहीं पता, करने तो वाले हैं पर कुछ होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने जैसे दिखाया, तो इसको आपको ना इस तरीके से डिप करना है इस ब्रश को, और फिर चलो देखते हैं। बताओ कौन सा कलर करना है? थोड़ा सा ना डार्क कलर पहले ले लूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कुछ होगा या नहीं होगा, और फिर अगर थोड़ा डार्क कलर लेंगे तो वो थोड़ा सा दिखेगा भी। तो मैंने सोचा ना कि मैं ब्लू अप या तो पर्पल दोनों में से ले लूँ, तो पहले चलो ब्लू से ही ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से ना आपको इस माइसेलर वाटर से पूरे आपको, और बाय द वे मैंने इस पैलेट को इसलिए लिया है क्योंकि ये पैलेट मुझे कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये ना थोड़ा पाउडर पाउडर तरीके का है। मैंने बहुत मतलब शौक से खरीदा था कि बहुत सारे रंग इकट्ठे मिलेंगे, पर अभी आने के बाद ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इसको आंखों में लगा रही हूँ तो वो थोड़े से ना जैसे पाउडर गिरने जाते तो वैसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि खराब करना है तो इसी को कर लेती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस ब्रश से कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये फिर भी चलो ब्रश बदलना पड़ेगा। मेरे पास बाय द वे ऐसे टाइनी पॉइंटेड ब्रश एक ही था और उससे काम नहीं हो रहा है, तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। और तो मैंने अभी ये ब्रश लिया है, इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, इससे तो और खराब होगा। पर चलो ट्राई करने बैठे, कुछ मैंने तैयारी ही नहीं की, मैंने अचानक से मुझे लगा कि चलो इसी को आज ट्राई कर दे, और मेरा टेबल वेबल सारा कुछ दूर दूर है। तो चलो पहले, क्योंकि ब्लू कलर अच्छा आ रहा था, तो सबसे पहले ना ब्लू कलर को ही ट्राई करते हैं, और इसी से आपको थोड़ा इसको गीला करके बर्बाद करना है अपने आई शैडो को पहले, और उसके बाद आपको इसको, ओ गॉड बहुत ज़्यादा आ गया। मैं मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो उस तरीके से बात मत करना बिल्कुल, कि आपने अच्छा नहीं पहना या जो भी। मैं तो जो भी एक्सेस निकल आया था तो उसको ना मैं थोड़ा पहले इस तरीके से, मैं कैसी ब्लॉगर हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ या मैं खुद सीख रही हूँ अभी बैठ के? चलो इसको ट्राई करते हैं, इधर नहीं दिखेगा तो आई नीड अ स्मॉल मिरर, मैं हूँ यहीं पर, जाना मत। तो दिख रहा है ना आपको? मुझे भी नहीं पता कि ये करने के बाद आपको दिखेगा नहीं। हाँ दिखेगा दिखेगा, ये लेवल दिखेगा। लुक एट दिस वन, मैं लगाते लगाते मैं मन मन में इतनी खुश हो रही थी कि कब मैं इसको कंप्लीट करूँ। मैं बात बोलूँ कि अब से मुझे ये, क्योंकि ये हैक काम कर गया, अब से मुझे अलग से यू नो कलर लाइनर्स पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप एक आई शेडो खरीद लो, उसमें से आप 100 कलर आप आई लाइनर के लिए लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही एक सुंदर सा कलर आया है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्टे कितना टाइम करेगा, पर यू नो जब तक आपका आई शेडो स्टे करता है उतने टाइम तो मुझे लग रहा है कि हाँ उतने टाइम तक स्टे करेगा। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये ब्रश उस तरीके का नहीं है, उसी तरीके का है पर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, और तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, पर इसका आउटकम काफ़ी अच्छा आया है गाइज। आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करना, ये बिल्कुल काम करता है। चलिए इस आँख में भी करते हैं। अब जो कि इतना इधर पड़ा हुआ था तो इसको बर्बाद क्यों करना। और अगर ये थोड़ा सा, अगर आपको लगे ना कि थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा सूख चुका है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा माइसेलर वाटर और ले सकते हो। दिख रहा है ना आपको?
मुझे एक्चुअली आंखों में कुछ भी डालो तो मुझे मुझे एक तो आंसू आने लगते हैं जैसे कि अभी आप देख सकते हो, और मुझे गुदगुदी बहुत होती है आंखों में, तो इसलिए मैं कुछ भी लगा नहीं पाती हूँ। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छा आउटकम आया है, तो मैं तो इसको इस हैक्स को बिल्कुल थम्स अप देने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये काम करता है और मुझे लगता है कि ये स्टे करेगा, क्योंकि आई शेडो अगर स्टे कर रहा है तो ये आई शेडो ही है और ये बिल्कुल स्टे करेगा। जो भी आपका माइसेलर वाटर है, अगर आपको लग रहा है कि गीला है, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप उड़ जाएगा, तो वो नहीं रहेगा और सिर्फ आई शेडो थोड़े से इस फॉर्म में रह जाएगा। और मुझे ये है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं एक और कलर ट्राई करना चाहूँगी और मुझे खुद को यू नो रेनबो बनाना है, थोड़ा सा मोर जैसा लग तो नहीं सकती पर कोशिश थोड़े कर लेते क्योंकि कलर भी है अपना। और तो चलो नेक्स्ट इसी ब्रश से करना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर है। और इसमें मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि इस अगर आप सेम ब्रश से करना चाहोगे, कुछ और कलर इसके ऊपर अगर आप करना चाहोगे, तो आपको ब्रश को यू नो माइसेलर वाटर में ही वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रंग निकलेगा नहीं। अदरवाइज आपको इसको साबुन के पानी में या शैम्पू में हम जिस तरीके से ब्रश को वॉश करते हैं उस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक यू नो एक डार्क कलर लिया है, तो चलो इसके ऊपर एक शिमरी कलर लेते हैं। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद की तरह, ये जो कलर है ये थोड़ा दिख नहीं रहा है उतना, लो ये पूरा ब्लू ब्लू हो गया, पर मुझे लगता है कि फिर भी आएगा। मुझे एक्चुअली इस पैलेट के ऊपर कोई ऐसा प्यार रहा नहीं, इसलिए मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके का कलर लिया है, अब मैं थोड़ा सा इसको अपने हाथों में कम कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है। इसके ऊपर से एक और लेयर लगाते हैं, ये हम पूरी रात करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग बैठे रहो और हम पूरे दिन हम एक के बाद एक लेयर लगाते रहेंगे। चलो मुझे पता नहीं क्यों गुदगुदी हो रही है इतनी, ऐसा क्योंकि इसके अंदर ब्लू है ना पहले से, तो ये कलर हो नहीं रहा है ठीक से। गाइस प्लानिंग में चेंज, क्योंकि ये इतना हल्का कलर है तो इतना ज़्यादा कैमरे में दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको एक फिर से एक दूसरा डार्क कलर इसके ऊपर से लगा के दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे करने में मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आया ना है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बस टेंशन है कि मेरी आंखों को कुछ ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरी एलर्जी अभी तक सही नहीं हुई है। तो चलो फिर से कोई डार्क कलर पकड़ते हैं और उसको लगाते हैं, इस बार कोई रेडिश कलर पकड़ते हैं। तो मैं किस तरीके से दिखाऊँ, मेरा फ्रेम भी इतना छोटा है, ये कलर मैं ले रही हूँ और इसमें भी सारा कुछ नीला नीला हो गया। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो और आपको इसके ऊपर से अलग से ना कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे बोला कि मैं बिल्कुल भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो प्लीज़ उस हिसाब से मुझे जज मत करना, मैं सिर्फ आपको ये हैक दिखा रही हूँ। और ये कुछ लाइनर और एक शेडो का कॉन्ट्रास्ट बनके पता नहीं क्या बन रहा है, पर अगर आपको ठीक ठाक यू नो कलर कॉम्बिनेशन आता है तो आप उस हिसाब से इस तरीके से करके काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसको ट्राई करो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट पर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा ये सामने लग रहा है ना मिरर पर, उतना ज़्यादा इधर थोड़ा अलग ही लग रहा है, पर मुझे सामने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भूतनी लग रही हूँ मैं, या इस आँख में कुछ और कलर ट्राई करें या सेम कलर ट्राई करें, क्योंकि अभी मेरा मुंह इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है ना, मैं चाहती हूँ कि इसको सही ढंग से पूरी तरीके से मैं बिगाड़ूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ और कलर इसके अंदर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कौन सा कलर लेना है बताओ, ये ले लूँ, कौन मना करेगा मुझे, मेरा ये। चलो तो अब मैं लग किस तरीके की रही हूँ, मुझे कोई शूर्पणखा का रोल दे दो, मुझे सिर्फ रामायण में एक रोल चाहिए और उस रोल का नाम होगा शूर्पणखा। एक सिर्फ मुझे इधर एक लाल एक धब्बा बनाना है, बस मैं तैयार हूँ। पर मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना इसको करते हुए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं प्रो नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर भी लग गया। और जो थोड़े से ना जिनको मेकअप वगैरह आता है, मुझे तो इतना आता भी नहीं है, तो जिनको मेकअप वगैरह आता है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे तो ये हैक बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने भी पहली बार किया ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा वो रॉनेस फील हो, और इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल भी पहले ट्राई नहीं किया था, बिल्कुल आप ही के सामने दिखा रही हूँ तभी मैं ऐसा भूत बनकर तैयार हूँ। पर जिनको भी करना आता होगा वो अच्छे से कर पाएंगे, और मुझे ये हैक बिल्कुल पसंद आया और मैं इसको बिल्कुल थम्स अप, मेरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं इस हैक को बिल्कुल थम्स अप देती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि अगर आपने इसको ट्राई किया या नहीं किया, किसी ने यू नो आपकी तारीफ की या किसी ने गाली दी, तो वो भी सारा आप मुझे बता सकते हो। हम उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती अगर कोई गाली दे रहा है तो। और ये इयरिंग मैं क्या बोली इसको मैंने ना बाय द वे 2 साल पहले खरीदा था और आज मैंने इसको पहली बार पहना है, और ये इस तरीके से लट्टू की तरह घूमता रहता है, बिल्कुल बंद ही नहीं होता। तो चलो गाइस आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। आई होप कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा और आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इस तरीके की और भी चैलेंज वीडियो का अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि किस तरीके का चैलेंज वीडियो आप देखना चाहते हो, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाने की। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, टिल देन टेक केयर एंड।